कहते हैं कि आप सब अच्छे हैं। भगवान अल्लाह खुदा वाहेगुरु जीसस क्राइस्ट के आगे ये दुआ करते हैं कि वो हम सबको अच्छा रखे। साथियों, आज बात करेंगे गुड पेरेंटिंग के ऊपर। एक अच्छा पेरेंट कैसे बना जा सकता है? आपका बच्चा आपसे क्या चाहता है? और एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि ये नोटिफिकेशन आगे से आपको सबसे पहले मिल सके। आजकल जहां भी जाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो किटी पार्टी हो, बस हो, ट्रेन हो, कोई भी जगह हो, सब माँ बाप एक ही बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, मेरे बच्चे को तो कंसंट्रेशन ही नहीं आता, मेरा बच्चा सारा दिन टीवी देखता है, पता नहीं इतना कार्टून क्यों देखता है, मेरा बच्चा बिल्कुल खाने को ही नहीं मांगता, सिर्फ बाहर का फूड जंक फूड खाता है। हर माँ की जुबान में, हर बाप के जुबान में बस एक ही चर्चा है, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा वो नहीं करता, मेरा बच्चा ये नहीं करता। और अपने बच्चों को हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो, अरे देखो गीता का बच्चा कितना चालाक है, अरे देखो रमेश का लड़का कितना अच्छा रिजल्ट्स लाया है, अरे देखो विनोद का लड़का कितना अच्छा एक्टिंग करता है। हम अपने बच्चों को हमेशा एक्टिंग कर रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। आपको पता है साथियों, ये कंपेयर करने से, कंप्लेन करने से बच्चों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होता है। वो फ्रस्ट्रेशन दिन पे दिन जब बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में भी आ सकता है। और अगर डिप्रेशन में नहीं भी आए तो फ्रस्ट्रेशन एक एंगर होके उमड़ता है, गुस्सा आता है। फिर आप कहते हो मेरे लड़के को तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे लड़के को जब गुस्सा आता है तो घर का हर सामान फेंक देता है, हर चीज तोड़ देता है। अरे उसको गुस्सा आए कैसे नहीं? आप हमेशा उसको कंपेयर कर रहे हो, उसको अपने छोटे भाई से कंपेयर कर रहे हो, उसको अपने पड़ोसी के लड़के से कंपेयर कर रहे हो, उसको अपने भाई के लड़के से कंपेयर कर रहे हो, उसको अपने बहन की लड़की से कंपेयर कर रहे हो। आप सारा दिन यही तो कर रहे हो। दोस्तों एक बात खुद सोचिए, अगर आप सबको एक एक पेरेंटिंग के ऊपर किताब दी जाए और आप एग्जाम दो उसमें और आपको 40% आए और आपका लड़का कहे कि मम्मी आप पढ़ाई में इतने पुअर हो, या इसको थोड़ा आगे चल के देखते हैं, मान लीजिए आप एक अच्छे पेरेंट हैं लेकिन उसके बाद भी पेरेंटिंग एग्जाम में आपको 40% आते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप अच्छे पेरेंट तो हैं लेकिन किसी ने तोता तोती की तरह रट के अच्छे मार्क्स ले आए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा जब आपका बच्चा आपसे कंपेयर करेगा। मैं कभी कभी यही सोचती हूँ कि हम माँ बाप जैसे बच्चों को कंपेयर करते हैं, अगर एक दिन सिर्फ बच्चे को एक कॉपी और पेन दे दिया जाए और उनको बोला जाए कि वो अपने माँ बाप की कंपेयर दूसरों से करे, तो काश आपका बच्चा लिखेगा रीता की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी माँ से भी अच्छा, रमेश का पिता बहुत अच्छा ड्राइविंग करता है, विनोद का पिता हर संडे उसे म्यूजियम देखने ले जाता है, मेरा बाप नहीं ले जाता, पायल की माँ उसे हर खिलौना खरीद के देती है जो पायल मांगती है। दोस्तों आपका बच्चा आपको कंपेयर करना शुरू करे दूसरों की माँओं के साथ, दूसरों के बाप के साथ, दूसरों के रिलेटिव के साथ, तो आपको भी कैसा लगेगा? आइए अब एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि एक बाप और उसका एक 9 साल का बेटा
दिल्ली से जा रहे होते हैं I-10 में फरीदाबाद अपनी माँ को मायके से लेने। अब I-10 जो होती है वो बहुत पुरानी होती है, 9-10 साल पुरानी होती है और काफ़ी दिन उसकी सर्विसिंग भी नहीं हुई होती। जो फादर होता है वो गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी पुरानी, सर्विसिंग भी नहीं है, इसलिए 80-90 की स्पीड में जाती है। पास से एक मर्सिडीज आती है और 120-130 से रफ्तार से उसे क्रॉस करके चली जाती है। पीछे से एक ऑडी आती है, वो भी बहुत स्पीड से उसे क्रॉस करके चली जाती है। अब बेटा बाप को बोलता है, पिता आपको गाड़ी चलानी ही नहीं आती, देखिए वो मर्सिडीज आपको क्रॉस करके चली गई, वो ऑडी आपको क्रॉस करके चली गई, इतने में एक गाड़ी और क्रॉस करके चली जाती है। तो अब वो फादर अपने बच्चे को समझाता है, बेटा वो महंगी गाड़ी है, लग्जरी कार है, उनकी स्पीड ज़्यादा है, हमारी कार उतनी स्पीड वाली नहीं है, और फिर हमारी कार पुरानी भी है, सर्विसिंग भी नहीं हुई हुई है, इसलिए ये 70-80 से ज़्यादा स्पीड नहीं दे सकती, और इसमें बुराई भी क्या है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। और आप पीछे देखो ना, जो ऑल्टोज हैं, नैनोज हैं, वो तो और भी कम स्पीड में चल रही हैं, बहुत लोगों के पास तो गाड़ी भी नहीं है, वो बाइक में चल रहे हैं, बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस यूज़ कर रहे हैं फरीदाबाद जाने के लिए, तो ऐसे नहीं कहा करते। बेटा जो जवाब देता है वो सुन के आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेटा बाप को कहता है, यही तो मैं आपको समझा नहीं पाया पिता, इतने दिन जब मैं 70-75% लाता हूँ, मैं भी तो आपको यही समझाना चाहता हूँ कि मेरी कैपेसिटी ही इतनी है। आप कहते हैं पायल की तरह 92% लाओ, आप कहते हैं राजा की तरह 95% लाओ, आप कहते हैं सनी की तरह 98% लाओ, मैं भी तो आपको यही समझाना चाहता हूँ कि मेरी कैपेसिटी ही इतनी है, और मेरे से भी तो बहुत बच्चे हैं जिनको 40-50% आता है। हाँ साथियों, आपके बच्चे की कैपेसिटी को देखिए, ये नहीं कि आपके बच्चे को सिर्फ आप प्रेशराइज कीजिए, आपके बच्चे को कंपेयर करना बंद कीजिए, हमेशा पढ़ाई 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 मत कीजिए। अगर हर बच्चा पढ़ाई में अव्वल होगा तो आलिया भट्ट कहाँ से निकलेगी, अगर हर बच्चा 99% लाएगा तो सचिन तेंदुलकर कहाँ से निकलेगा, अगर हर बच्चा 96% लाएगा तो देश में लता मंगेशकर कहाँ से निकलेगी। उसको हर कुछ में एवरेज बनाने से ज़्यादा एक या दो सब्जेक्ट में एक्सीलेंट बनाइए। आपके बच्चों के अंदर झांकिए कि वो पढ़ाई के अलावा क्या और कुछ में अच्छा करना चाहता है। हो सकता है वो एक बड़ा पेंटर बनना चाहता हो और आप उसको पढ़ाई में ठूस रहे हो, हो सकता है वो एक अच्छा स्विमर बनना चाहता हो सकता है वो बॉलीवुड में जाना चाहता हो सकता है वो अच्छा सिंगर होना चाहता हो, और आप लोग हैं नहीं, बस सिर्फ उसको डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर यही बनाना है, नहीं तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी। अरे अपने बच्चों में वैल्यू सिखाइए, अपने बच्चों को बिलीफ सिस्टम सिखाइए, अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी कैसे लेनी है सिखाइए, अपने बच्चों को जीतना सिखाइए, साथ साथ अपने बच्चों को हारना भी सिखाइए, अपने बच्चों को कंपेयर करना बंद कीजिए, अपने बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखाइए, अपने बच्चों को ऊपर कैसे जाना है, गिर के कैसे संभलना है, बाउंस बैक कैसे करना है ये सिखाइए, और कंपेयर करना बंद कीजिए। जिस दिन आप कंपेयर करना बंद करके अच्छे वैल्यू सिखाना शुरू करेंगे, उसके अंदर झांक के उसकी कैपेसिटी को समझेंगे, वो क्या अच्छा कर सकता है, मैं आपको ये कन्फर्मेशन देखती हूँ कि हर बच्चे में कोई ना कोई कमाल की चीज होती है, उस कमाल की चीज को तराशिए, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर के पीछे मत भागिए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आप भी बताइए
आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।